साथ निकुंज डाल में आए ये समझने के लिए कि इस बार बजट से आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। निकुंज, बहुत बड़ा दिन है, पूरे कॉर्पोरेट्स की, इंडस्ट्री की, स्टॉक मार्केट की नजर है। एक क्विकली व्यूअर्स को अपने समझा देते हैं। पहला सवाल मैं आपसे बहुत क्लियर पूछूंगी कि इस बार के बजट पे फोकस कहाँ होगा? प्रियंका, बजट आफ्टर ऑल एक प्रकार का सरकार का बही खाता है। मगर बजट के अंदर हम देखते हैं कि हर साल कंपल्शंस हैं वो चेंज हो रही हैं। 2021 में कोविड, तो आपको इकॉनमी को उस समय सर्वाइव कराना था, वह सरकार ने करा वैक्सीन और इकॉनमी को स्टिमुलेट करा। जब इकॉनमी 2021 में सर्वाइव हुई, तुम 2022 में आए, 2022 में सरकार ने बोला जी आप तो सर्वाइव कर चुके हैं, अब आपको रिवाइव करना पड़ेगा। तो उन्होंने इकॉनमी के अंदर टैक्सेस चेंज नहीं करे और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग ज़्यादा करी, जिसकी वजह से ग्रोथ आई। और 2023 में अब वो समय आ चुका, आप ऐसे पायदान पे खड़े हैं, ग्लोबली मैक्रोस ख़राब हैं, रिसेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन अभी भी खत्म नहीं हुई, कि आप एक लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो क्या इस बजट के अंदर जो ग्लोबल बैकड्रॉप है और हिंदुस्तान की इकॉनमी की जो मजबूत स्थिति है, इस बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि आप एक लंबी छलांग लगा करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के की जो हमारी की जो हमारा सपना है, हम उसको कितनी जल्दी पूरा करें? ऑलराइट, तो सपने को कितनी जल्दी पूरा कर लेते हैं, तो ये तो फोकस की बात रही। एक बार कुछ डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। कुछ ये कुछ डेटा पॉइंट्स हमने कंपाइल किया व्यूअर्स के लिए कि लास्ट ईयर FY23 में कहाँ हमें खुशी मिली और कहाँ गम मिले, इसको कैसे पढ़ें, हम कैसे रीड करें? ठीक है, बजट के अंदर खुशी और गम हमेशा अच्छा आता है, मगर इस बार खुशी जो आ रही है वो अच्छी जगह से खुशी आ रही है। टैक्स बॉयंसी, इसका मतलब है सरकार ने जो अज्यूम कराता है हमें जो टैक्सेस मिलेंगे, GST, इनकम टैक्स, उसमें इजाफा हुआ है। बिकॉज इकॉनमी ग्रो कर रही है, आप टैक्स ज़्यादा कब देते हैं? जब आप ग्रो करते हैं। अब इनकम टैक्स ज़्यादा कब देते हैं? जब सैलरी ज़्यादा मिलती है आपको, तो सरकार को वहाँ पर एडवांटेज मिला है। मगर पिछले साल या इस साल में हमें सब्सिडी की मार पड़ी थी, विश्व में युद्ध चल रहा है इस समय यूक्रेन और रशिया का, उसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी पड़ी, हमें ऑयल बॉन्ड्स निकालने पड़े। तो कुल मिलाकर के मैक्रो कठिनाइयों की वजह से जो सब्सिडी की मांग थी वो बढ़ चुकी है। और डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए वही कहानी, हर साल नया नंबर, मगर नगर नंबर डिसअपॉइंट होता, टेलीकॉम में भी कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के अच्छी खबर ये है कि बजट और फिस्कल डेफिसिट इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज आपका टैक्स कलेक्शन हैज सरप्राइज यू पॉजिटिवली। तो सरप्राइज टैक्स कलेक्शन ने किया, तो अगर हमें एक बार कंपाइल करना हो कि तीन बड़े सीज क्या हैं इस बार के फोकस बजट के लिए, तो कहाँ पर नजर होनी चाहिए व्यूअर्स? ठीक है, कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट 6% से नीचे रहना चाहिए। एक मैं दोबारा बोलूंगा हमारे दर्शकों के लिए, 6% से नीचे फिस्कल डेफिसिट गुड न्यूज फॉर द बॉन्ड मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। सेकेंड, केपेक्स अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, डिफेंस, आप जानते हैं स्टॉक्स में क्या हुआ है, वहाँ आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक साइड तो आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना है, करेक्ट, और केपेक्स बढ़ाना है। मुश्किल है, कम भी करो बढ़ाओ भी, हो सकता है। इसलिए हो सकता है बिकॉज सरकार को इस साल फूड सब्सिडी और दूसरी सब्सिडीज का हिट इतना शायद नहीं लेना पड़े। तो केपेक्स का नंबर 1,00,000 करोड़, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप भी बोलिए, 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ से ऊपर अगर बढ़ता है तो सरकार के लिए और मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा, ये तो बहुत ही पेचीदा है, बात करेंगे, मगर हमारे दर्शक के लिए तीसरा सी जो है, ये दोनों छोटे सी है, कैपिटल सी है, करेक्ट, और यही सी इम्पोर्टेंट करता है। ठीक है, ये वाला सी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी डिटेल में विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे।